तो आज है भाई डे थ्री, मतलब जो है भाई डे थ्री का व्लॉग या फिर थर्ड पार्ट आप समझ लो इसको। तो आज क्या करने वाले भाई, अभी अपनी गाड़ी जो है ना वॉश करा लेते पहले, और वॉश कराने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से कारगिल, कारगिल से फिर ले, ठीक है, ऐसे जाएंगे अपन। आज ले पहुँच जाए, मैंने गाड़ी लगा दी भाई वॉशिंग के लिए, 200 रुपये लेते हैं यहाँ पे वॉश करने के, बार बार से वॉश करा लेंगे, अंदर से कोई ज़रूरत है नहीं, वॉशिंग वगैरह करा के फिर निकलते हैं। और पीछे भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पीछे टावर के पीछे हिल देख रहे हो, इस पर बर्फ़ जमी हुई है, इसको बोलते भाई यहाँ पे टाइगर हिल। 99 में जो है ना यहाँ पे वार हुआ था, वार तो क्या मतलब, आ गए थे पाकिस्तानी जो फौजी थे वो आ गए थे नीचे की साइड, तब क्या होता है लाइक नवंबर दिसंबर जब ठंड पड़ती है तो जो आर्मी होती है नीचे आ जाती है, और इंडियन आर्मी नीचे आ गई थी तो पाकिस्तानी भाई मतलब इधर आ गए अपनी साइड कब्जा करते हुए, तो ऐसी कुछ स्टोरी है इसकी भी। और बाकी उधर देखो बर्फ़ पड़ी है और इधर देखो बिल्कुल सूखा पहाड़ है। कराते भाई गाड़ी वॉश, अभी हो जाएगी अपनी गाड़ी वॉश फिर निकलते हैं। तो अभी जो है रुके थे हम कारगिल वार मेमोरियल पे, वहाँ घूम लिया अंदर, मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं, ये पार्किंग लगता है भाई 30 रुपये, इधर लगा दो पार्किंग में, और इधर जो है अपना ये वार मेमोरियल है, ये देखो इस साइड में है पूरा अंदर, अंदर आप फोटो वोटो लेते हैं तो भाई 50 रुपये वगैरह कुछ होते हैं, 50 रुपये डालने पड़ते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं ले, और अभी जो है भाई लगेगा 5-6 घंटे लगेंगे आराम से, तो देखते हैं क्या कुछ नज़ारे होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये अभी जो है द्रास से निकले ना, उसके बाद मस्त रोड है एक नंबर का, ये येलो लाइन वाला, मतलब तो साइड में येलो लाइन, बीच में जो है वाइट अपनी, तो रोड बढ़िया, पूरा मक्खन रोड है, ना ज़्यादा ट्रैफिक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा ट्रक वगैरह कुछ भी नहीं है, साइड में नदी चलती है मस्त, वो भी बढ़िया लगती है। और यहाँ पे सारे सूखे पहाड़ हैं, और आगे जाके ना एक 20 या 25 किलोमीटर का कुछ जो एक ट्रैक आता है, पूरा सीधा रोड है वो बिल्कुल स्ट्रेट, तो वहाँ पे भी देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फिलहाल भाई ये जो रोड है ये बिल्कुल बढ़िया रोड है, मतलब ऐसा रोड होता है तो मज़ा आ जाता, और यहाँ पे चढ़ाई नहीं है, ऐसा जैसे नीचे उतर रहे हैं हम, और बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं यहाँ पे, टेम्परेचर भी 13 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है गाड़ी तो फिलहाल। और जो माइलेज है ना ओवरऑल, मतलब जहाँ से मैंने रीसेट की थी पार्ट टू में, आपने देखा मैंने जो है सोनमार्ग में जाके रीसेट कर दी थी माइलेज अपनी, तो वहाँ से और अभी तक की जो ओवरऑल माइलेज निकली है ना वो निकली है 14.6 की, क्योंकि उसमें पहाड़ी लाइक जो है अपन ने चढ़ी भी है और उतरी भी है, उसकी वजह से क्या है वो बीच की माइलेज आ गई। फिर अभी क्या है माइलेज गाड़ी पूरी दे रही है 30-40 की रियल टाइम, क्योंकि मैं पंजा तो दबा ही नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि ढलान है यहाँ पे, अच्छी माइलेज ऑटोमेटिकली आ रही है, चढ़ाई यहाँ पे है ही नहीं। अब देखो ऊपर देखो पहाड़ है और नीचे हम चल रहे हैं बिल्कुल, बाकी बाहर से व्यू दिखाता हूँ। तो ये अभी पहुंच गए हम कारगिल विलेज में, और यहाँ पे गाड़ी लगा दी, कुछ खा पी लेते भाई, सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, और यहाँ पे अपना एक भाई मिल गया भाई पुलिस में आए, तो बता रहे हैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे बढ़िया सा, तो वहीं जाके खा लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना बड़ी मुश्किल से एक वेज ढाबा मिला है, जहाँ पे मिक्स वेज वगैरह राजमा का रोटी वगैरह ले लिया, और रुमाली रोटी है अपनी, और यहाँ पे भाई हेल्प किया अपने खलील भाई ने, तो थैंक यू भाई हेल्प करने के लिए, कि हमें तो मिल नहीं रहा था यार, यहाँ पे पूरी मीठी मीट ऐसी मार्केट है पूरी, हम तो देख के डर गए यार, हर जगह जहाँ देखो भाई बकरा मुर्गा पता नहीं क्या क्या लटका रखा है, तो खाते हैं भाई अभी फिर निकलते हैं। दिल भाई मार्केट कारगिल की आते टाइम भाई शॉर्टकट से आ गए, और ऐसे मीट वीट पता नहीं क्या क्या लटका रखा, जी खराब हो गया मैं भाई, अब नहीं जाना उस रास्ते से। अच्छा ये भाई कोई यहाँ की, तो ये मार्केट वगैरह घूम के आ गए और अभी निकलते हैं यहाँ से, अब डायरेक्ट भाई ले जाएंगे, क्योंकि बहुत रुक लिए, बहुत भाई इंजॉय कर लिए, अब डायरेक्ट ले जाके फिर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। यह गाड़ी खड़ी है, और एक और व्यू दिखाता हूँ भाई, ऊपर देखो सूखे पहाड़ है, नीचे पूरी हरियाली है, और नीचे पूरी नदी अपनी बह रही है, तो ये भी व्यू तगड़ा है यहाँ पे। चलिए चलते हैं भाई अभी लेके अपनी। कारगिल ना आपको सिटी दिखाता हूँ, बड़ी मस्त सिटी है कारगिल, वो चीज दिखाऊँ बड़ी मस्त सिटी है भाई, मेरे को तो बड़ी भयंकर लगी, मतलब भयानक जो होती है ना भाई वो। चलो एक बार कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ आपको,
ये देखो भाई नीचे पूरी नदी हरियाली, ठीक है, इधर आर्मी के कैंप वगैरह कुछ है, उधर देखो सिटी पूरी मस्त। मतलब इसके लिए स्पेशल मैंने गाड़ी रोकी भाई, ये व्यू जो है ना गजब का आ रहा है यहाँ पे। मतलब इटली की याद आ गई मेरे को, इटली में भी ऐसे घर बनाए रखते हैं बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम, मस्त लग रहा है भाई पूरा। ये देखो और बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का देखो भाई कैसे काम चल रहा है, इनको डर भी नहीं लगता है हमारे जैसे तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं है, ऊँचाइयों से डर लगता है भाई अपने को, सिंपल बात। बाकी इधर देख लो भाई पूरा बर्फ़ के पहाड़, सूखे पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे ऊपर, या स्नो पड़ती होगी तब तो मस्त लगता है ना, पूरा भर जाता है वो। चलो चलते भाई गाड़ी अपनी वो खड़ी। देखो पहाड़ियाँ मतलब मस्त रेत के टीले बने हुए हैं भयंकर, ये भी मस्त लग रहे हैं। और बाकी भाई हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी पूछ रहा था अभी एक भाई, ठीक ठाक है मतलब 120-130 तक ओके, बाकी उससे पर भाई नहीं है इतनी कुछ खास स्टेबिलिटी, हल्की है भाई अभी भी ये गाड़ी, इतनी हैवी नहीं है कि हम इसको बगास के भाई 150-160 आराम से 100-110-120 तक ठीक है, उससे ऊपर ना चलाओ तो सही है भाई। बाकी यार व्यू देखो, अभी जो व्यू आ रहा है वो है मस्त, बर्फ फिर नीचे सूखी पहाड़ी फिर नीचे पूरी जो हरियाली, मतलब मस्त। तो भाई लद्दाख बचा है 170 किलोमीटर और यहाँ पे भाई हम रुके थे, बिकॉज यहाँ पे जो व्यू आ रहा है भाई, और हवा इतनी तेज चल रही है, ठंडी ठंडी मस्त हवा चल रही है, और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी बट सफाई ढंग से नहीं की उसने, गंदी हो रही थोड़ी सी। बढ़िया भाई रोड अच्छे हैं इसके, उस वजह से क्या है अपने सारी चीज़ें सेफ हैं, ना टायर में कोई दिक्कत, ना कोई अभी तक ब्रेकिंग में कोई इशू, ना कोई कंफर्ट में इशू, मतलब बढ़िया चल रही है। ये देखो यहाँ पे ना भाई धूप बहुत तेज पड़ती है और हवा उससे भी तेज चल रही है ठंडी ठंडी। भाई यहाँ से ना 144 बचा है और 144 किलोमीटर और बचा है गाइस ले यहाँ से, और यहाँ देखो भाई क्या हो रखा है, ट्रक पलटा पड़ा है यहाँ पे पूरा, पीछे भी था एक जब हिमाचल वगैरह क्रॉस किया ना हमने जम्मू में तो वहां पे भी ऐसे ही पलट रखा था, ये देखो पूरा ट्रक पलटा पड़ा है भाई, ये देखो। बताओ यार मतलब कैसे चलाते हैं, यहाँ से शायद ही ब्रेक अप्लाई कर रहा था, ब्रेक नहीं लगे इसके, ये देखो पूरे निशान पड़े हैं और यहाँ पे ख़त्म, और फिर जाके वो वहाँ गिरा है। तो ये है भाई यहाँ पे ट्रक वाले ही उन्हीं के साथ ये हो रहा था भाई, अपने साथ कुछ भी हो सकता है, तो बड़ा ढंग से चलाना पड़ता है भाई यहाँ पे, ड्राइव केयरफुली। और भाई आप पूछ रहे थे कि बलेनो का पिकअप कैसा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी ये हिल है ठीक है, मैंने डाल दिया अभी गाड़ी सेकंड गियर में, सेकंड गियर में उठेगी बट बहुत ही स्लोली स्लोली ठीक है, फर्स्ट गियर यदि यहाँ पे मैं डालता हूँ ना तो फिर उठ जाएगी भाई बढ़िया तरीके से। उसमें एक फीचर मिलता है भाई, मेरे को पता नहीं क्या फीचर क्या नहीं है बट देसी तरीके समझा सकता हूँ आपको, जैसे हिल पे हमने गाड़ी रोकी और ब्रेक अप्लाई किए, और ब्रेक जब आप छोड़ोगे ना तो नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है कि वो पीछे भगती है एकदम से, लेकिन ये 3-4 सेकंड के लिए होल्ड हो जाती है वहीं पे, तो वो चीज़ भाई मेरे को बताने क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतने बड़े जर्नलिस्ट नहीं है जो अपने को भाई उस चीज़ के बारे में पता होगा, बट हाँ समझा दिया मैंने क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो चीज़ मैं डेमो भी दिखा सकता हूँ आपको आगे चल के, वो भी दिखा दूंगा, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा इसका। तो बाकी पिकअप वगैरह ठीक है यार, मतलब नॉर्मली है, जब ज़्यादा हिल होती है ना वहाँ पे भाई कई बार बंद भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होती, फर्स्ट गियर में चढ़ी जाती है, फर्स्ट गियर में भी हार मान जाती है वहाँ पे तो ये। बाकी भाई अभी बोर हो चुके हैं हम भी, बस सूखे सूखे पहाड़ देख के, यहाँ से बचाए 133 किलोमीटर और चल रहे हैं, बट धूप बहुत तेज है यहाँ पे, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है ठंडी ठंडी,
और अंदर धूप लगती है बहुत तेज। ये धूप है ना, ये मतलब यहाँ पे हवा ना चले ना भाई तो अपने वहां से भी ज्यादा गर्मी पड़े यहाँ पे। यहाँ पे लगभग भी है टेम्परेचर 15-16 के लगभग, जो कि हवा चल रही उसी की वजह से है। यदि हवा एक सेकंड भी बंद हो जाए ना बहुत तगड़ी धूप लगती है भाई यहाँ पे, क्योंकि ऊपर आसमान देखो बिल्कुल साफ है, एकदम चिलकती हुई धूप पड़ती है यहाँ पे। लोकेशन मिली थी उसके ऊपर गए, इतनी तेज हवा चल रही भाई बंदा नीचे ही जाएगा सीधा। और ये देखो व्यू, यहाँ से और व्यू चेक करा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे नदी वदी सारी सूखी पड़ी है, क्या व्यू है भाई गजब। इसके ऊपर चले गए थे, हालत खराब हुई भाई, मतलब वही पतला सा बंदा होना तो वो तोड़ के ही चला जाएगा इसके साथ और सीधा नीचे जा गिरेगा। तो इसके ऊपर मत जाना, अवॉइड करना है, आ जाना जा भी रहे ना मतलब स्टार्टिंग तक ही उधर मत जाना कोने पे। देखो कितना ही बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ना RT-PCR वगैरह का भी सीन है। वेलकम टू BMA मील, पता नहीं कौन सी जगह आ रही है, तो देख लो यहाँ भाई अपनी होगी है RT-PCR वगैरह चेक करा लेते हैं एक बार। RT-PCR तो नहीं है बट हाँ फुली वैक्सीनेटेड जरूर है, लगा के देखते हैं एक बार जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ रुकवा लिया था कि भाई टेस्ट वेस्ट कराओ, कुछ नहीं है नॉर्मल आपकी सर्टिफिकेट वगैरह चेक करेंगे, नहीं है तो भाई आपके नाक में देकर टेस्ट करके और निकाल देंगे आपको कि चलो भाई नेगेटिव है ठीक है। और ये मजाक भी कर देते हैं अभी भाई, मजाक कर दिया इन्होंने हमारे साथ कि पॉजिटिव है, फिर कहते हैं भाई मजाक है मजाक है, बताओ यार मजाक कर रहे हैं अभी ऐसे टाइम पे। तो चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से, 97 किलोमीटर और बचा है तो 97 किलोमीटर कवर करेंगे, 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम। वो बाकी व्यूज तो भाई आ ही रहे हैं मस्त, मतलब कहीं सूखे माउंटेन है, कहीं बर्फ वाले हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं चट्टान आ रही है। चलो देखते हैं, करते हैं कंटिन्यू व्लॉग। बिल्कुल सीधा रास्ता आ चुका है,
इस नीमू विलेज जो है क्रॉस किया, इसके बाद आती है मैग्नेटिक हिल्स वगैरह, और इससे पहले आती है मतलब 6-7 किलोमीटर पहले वो स्ट्रेट वे, 1 किलोमीटर का ही, ज़्यादा लंबा नहीं था वो, तभी दिखाते भाई मैग्नेटिक हिल्स काम करती हुई या फिर ऐसे ही बस मतलब बना रखा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक, चेक करें यार, टेस्टिंग करने वाले लाइव टेस्टिंग। तो इस नीमू विलेज से निकल के और अभी जो है भाई व्यू देखो आप पीछे मेरे, कुछ खास नहीं है लेकिन इधर दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे कोई दो रिवर है भाई वो मिलती है आपस में, तो दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी अभी लगेगा मैं आधा घंटा और लगेगा पहुँच जाएंगे फिर तो, और यहाँ पे मैग्नेटिक हिल आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो अभी आएगी आगे, देखते हैं भाई खींचती है कि नहीं अपनी तरफ, बाकी अभी आप चेक करो पीछे का व्यू ज़बरदस्त दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ से पहले तो ये पूरा नज़ारा चेक करो, GoPro में शायद क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आती, आईफोन की मेरी बैटरी डेड हुई पड़ी है, तो ये देखो भाई अभी ना आगे जाके और दिखाता हूँ, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, ये देख लो ये रिवर वगैरह मिलते हैं यहाँ पे कोई दो रिवर, इधर लोग चढ़े हुए ऊपर घूमने लग रहे हैं, अभी ना ऑक्सीजन की कमी है यार, सांस चढ़ जाता है यहाँ पे, तो चलो फिर भी ठीक है ऑक्सीजन वगैरह, आगे जाके होती है दिक्कत ले में जाके। ये देखो नज़ारा, ये देखो भाई नज़ारा ये है, अभी आगे जाने भाई मेरे को भी डर लग रहा है, ज़्यादा आगे मैं भी नहीं जाऊँगा, बट नज़ारा आप यहाँ देख सकते हो, ये देख रहे हो वो इधर से मिल गई वो इधर से, बाकी ये फिर एक बन गई यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है जो भी है समझ जाना, उधर पहाड़ ही पहाड़ है, चलो चलते हैं भाई अभी लेके तो ये भाई मैग्नेटिक हिल्स इफेक्ट कह रहे आगे देखने को मिलता है, तो देखते हैं वो भी बोर्ड वगैरह लगाएगा तो पता चल जाएगा अपने वहाँ पे, तो देखते हैं भाई खींचते हैं कि नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, लेकिन मैंने गाड़ी यहाँ छोड़ी भाई, गाड़ी मेरे पीछे बगल लग रही है एक ऐसा इफेक्ट है, आगे देखते हैं आगे खींचती है कि नहीं उस चढ़ाई पे, कहते उस चढ़ाई पे अपने आप गाड़ी खींची चली जाती है, तो वो चीज़ देखनी अपने को। तो भाई मैग्नेटिक हिल से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, जो चढ़ाई थी ना उस पर तो चढ़ी नहीं, बाकी रोड वगैरह मस्त है यहाँ पे, ये देखो मस्त बिल्कुल स्ट्रेट रोड, गाड़ी चलाने में कोई थकावट नहीं है, अभी मस्त मजा आते हैं मक्खन। ये देखो 80 क्रॉस मतलब 80 के लगभग चली गई, अभी 80-100 आराम से चल सकती है, बट वो ये भाई रिस्की तो है ही, पहाड़ ले बचा गया यहाँ से 13 किलोमीटर और 18 मिनट्स का रास्ता दिखा रहे हैं, उससे पहले एक गजब का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, बढ़िया मस्त सीधा नीचे कर लेते हैं, ये देखो सामने एंटर कर चुके हैं ले सिटी में, सिटी आ गया है अभी जो है ले में एंटर कर चुके हैं हम, और यहाँ पे जो है ना एयरपोर्ट है पीछे की साइड में, इससे भाई काफ़ी लिमिटेड फ्लाइट्स आती है और बाकी आर्मी के बने हुए अपने, तो यहाँ से बची है 4 किलोमीटर और बची है ले सिटी हॉल ऑफ फेम। तो वही आ गए हैं लद्दाख, सॉरी लेह सिटी में, और ये देखो भाई नज़ारा मतलब बढ़िया एक नंबर, ऐसी बिल्कुल फ्रेश है भाई, अपने दिल्ली गुड़गांव के जैसे तो नहीं है कि इतना पोल्यूशन कुछ नहीं, बट यहाँ पे क्या है भाई थोड़ी सी मतलब सांस चढ़ जाता है बोलते हुए बोल रहा हूँ, तो सांस चढ़ गया मतलब 2-4 लाइनों में ही, उधर अपनी गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी उधर खड़ी करके हम आ गए भाई कैफे में कुछ खाने पीने, ये देख लो ठीक है यहाँ कुछ खाने पीने आ गए थे, अब नीचे है कैफे वैसे इनकी, तो यहाँ ऊपर बैठते हैं मस्त इन्जॉय करते हैं, वेट करते हैं अपना ऑर्डर का,
कर दिया कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर, तभी ऊपर लग रही थी ठंड और हम आगे नीचे, और देखो कैसे उतरा जा रहा है वापिस। तो वापिस अंदर चलते हैं, अंदर जाके ही बैठेंगे, अंदर दिखाता हूँ कैसे है। वही आ गए खा पी के, और ये देखो नज़ारा अभी कुछ खास नहीं दिख रहा। बाकी रूम ले लिया हमने यहाँ पे, रूम भाई बड़े महंगे हैं यार, क्या बताऊँ, मतलब 2500 रुपये का रूम मिला है, बड़े महंगे रूम हो रहे भाई इस टाइम पे।